वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। और अब करंट अफेयर्स से डरने का नहीं, एक वीडियो देख लेने का। इसी मोटिव के साथ हम नए मेथड से करंट अफेयर्स सीख रहे हैं, सो दैट जो आपके अंदर फोबिया है, जो डर है कि करंट अफेयर्स में कहाँ से आएगा और क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कैसे इसको याद रखें, उस सब का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम आपको देते हैं। तो हम कोर रेट करते हैं चीजों को और उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वो आपके लिए ईजी हो जाए। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वीकली करंट अफेयर्स की, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स में हम कर क्या रहे हैं कि जैसे ही कोई वीक कवर होता है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें जो भी करंट अफेयर आए होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसमें भी आगे हम सब सेक्शंस रखते हैं सो दैट आपको ईजी रहे वो। तो छोटी छोटी दो वीडियोज होती हैं ताकि आपको ईजिली वो याद हो जाए, और हम उस उन वीडियोस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको प्रीवियस जो हमारे करंट अफेयर्स हुए हैं, मतलब कि जो पिछले वीक के हैं, जो पिछले मंथ के हैं, उसमें जो उसके रिगार्डिंग अपडेट आई थी उसको भी साथ में लेते हैं, सो दैट आपकी वो रिवीजन भी हो जाए। तो हम उसको जीरो से लेके फाइनल तक सारा उसमें कवर करते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज लाए हैं अप्रैल मंथ का सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक, और ये है पार्ट वन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन। बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होगा, हमारी जो भी अपडेट्स होंगी वीडियोस को लेके वो आपको मिलती रहेंगी और आप उसको इजिली देख पाओगे। तो प्लीज शेयर द चैनल एंड द वीडियोस आल्सो। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी नई सीरीज का सेकेंड वीक। तो ये पार्ट वन है उस सीरीज का, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के जो सेक्शन है वो है इकोनॉमी, नेशनल एंड इम्पॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में हम तीन सेक्शन कवर करेंगे, इकोनॉमी, नेशनल और इम्पोर्टेंट। तो आज का पहला सेक्शन शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की सेक्शन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बाय द यूएन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रिवाइज्ड, जो चेंज किए गए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके भारत के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के, तो वो क्या है रिवाइज चेंज करके जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी कर दी गई है, और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो आप सबको पता है COVID-19 के चलते जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं उसके कारण बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज किया है, और उसकी सीरीज पे चलते हुए यूनाइटेड नेशन ने भी भारत के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज किया है। तो अब ये नई जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ऑब्वियसली इन्होंने भी कम किया होगा बाकी सबकी तरह, तो ये कम करके कितनी कर दी गई है, 4.8%। तो यूनाइटेड नेशन ने भारत के लिए 2020-21 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की है वो कितनी है, 4.8%। इसके साथ ही और भी जो जीडीपी प्रेडिक्शंस हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और की है हाल ही में, पिछले एक दो वीक के अंदर हमने पहले भी ये सारी देख रखी है, इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से याद हो जाए, और जो इसमें ऐड हुई है वो भी मैं आपको साथ ही में इसमें बता देता हूँ। तो मैंने एक ही जगह पे सारी आपको सारी प्रेडिक्शंस लिखी हुई है सो दैट आपको एक जगह पे सारा मटेरियल मिल जाए और आप इसको कोरिलेट करके याद कर पाओ। और ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशन की अभी आई है 4.8%, और इसके अलावा IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी भी हाल ही में प्रेडिक्शन आई है वो है 1.9%, और वर्ल्ड बैंक की भी अभी में आई है 1.5% से 2.8%, और बाकी की जो रेटिंग्स हैं वो भी हाल ही फिलहाल की हैं पिछले एक या दो हफ्ते की। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जब भी अब एग्जाम होगा और उसमें करंट अफेयर पार्ट होगा तो यहाँ से इकोनॉमी के पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, और ये सब जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। और अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो तो उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर श्योर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो आप इसको कोरिलेट करके पेयर बना के याद कीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे IMF को याद रखिए, IMF को फिच के साथ, तो IMF और फिच के साथ 0.1 का ही फर्क है, IMF 1.9% और फिच 2%। तो इन दोनों को आप एक साथ याद रखिए, IMF और फिच 1.9 और 2%। ऐसे ही मूडी और SBI 2.5% और 2.6%, इन सब में 0.1 का फर्क है, याद रखिएगा। इनको पेयर बना के याद कर लीजिए, ऐसे क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग 3.5% एंड 3.6%, ADB एंड UN 4%, UN
4.8%। एडीबी और यूएन का ध्यान रखिएगा, यूएन का 4.8% है और एडीबी का 4% है। वर्ल्ड बैंक को आप अकेले से याद करिए, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है, जो इसने प्रेडिक्शन दी है, वो 1.5% लेके 2.8% तक है। इसने कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं दिया, इसने कहा कि 1.5% लेके 2.8% तक रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो ये सारा आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कोई भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, जहां पे इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है वहां पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं। एडीबी एश्योर्स हाउ मच लोन टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितना लोन देने की मंजूरी दी है? आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत ने एडीबी और एआईआईबी से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, कुछ सहायता की मांग की थी। तो उसके तहत ही एडीबी ने भारत को कितनी सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो ये कितनी है? 2.2 बिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा, बिलियन है, मिलियन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और एडीबी के हेड अभी जो जनवरी में अपॉइंट हुए थे, ये कौन है? श्री मसातुका असाकावा जी। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनिला, फिलीपींस के अंदर। इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिडबी प्रोवाइड्स हाउ मच वर्किंग कैपिटल टू एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को सिडबी ने कितना वर्किंग कैपिटल देने को मंजूरी दी है? सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी का? लखनऊ के अंदर। तो कितना वर्किंग कैपिटल देने की मंजूरी दी है? 1 करोड़। 1 करोड़ का वर्किंग कैपिटल सिडबी ने देने की मंजूरी दी है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? 48 आवर्स में सिडबी लोन दे देगा एमएसएमई को, जो भी उसके अंडर फॉल करेंगे उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। और सिडबी को देख लीजिए आप अच्छे से, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये, और इसका हेडक्वार्टर मैंने पहले बता दिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 1990 के अंदर। और इसके हेड कौन है? श्री मोहम्मद मुस्तफा जी। और जो ये पूरा 1 करोड़ का वर्किंग कैपिटल घोषित किया गया है, प्रोवाइड किया जाएगा सिडबी की तरफ से, वो किस इनिशिएटिव के अंडर है? सेफ प्लस इनिशिएटिव के अंडर है। और ये सेफ प्लस इनिशिएटिव है क्या? सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस है सेफ प्लस इनिशिएटिव। तो इसके अंदर क्या होगा? कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमई को। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएमआईई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज टू हाउ मच? तो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके अंतर्गत कितना एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है भारत के अंदर? तो यह है 23%। तो सीएमआईई, ये क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अब भारत के अंदर लॉकडाउन के चलते हुए। तो इसकी स्टैब्लिश कब किया गया? 1974 को। इसके एमडी सीईओ कौन है? महेश व्यास जी। और फेब्रवरी में इसके अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही वो कितनी रही? 7.8%। और मार्च में रहने के जो अनुमान है वो 8.7% का है। और 2019 में, जो पूरे 2019 ईयर में 6.9% रही थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो सीएमआईई के अकॉर्डिंग इसके 45 वर्ष की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी भारत की। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें ध्यान रखिएगा, 2019 की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.9%, उसको अच्छे से याद रखिए। और जो अभी इन्होंने डाटा दिया कि 23% हो गई है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एस्टिमेटेड एट व्हाट परसेंट इन Q2 अकॉर्डिंग टू आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स Q2 में कितना रहने का अनुमान है? तो ये कितना है? 4.4%। तो सीपीआई क्या है कि जो भी हमारे एसेंशियल एसेंशियल चीजें हैं, जैसे फूड हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत का बढ़ावा हुआ है, तो उसको सारी का एवरेज निकाला जाता है, उसको सीपीआई बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने नए सेक्शन, अगले सेक्शन की तरफ, नेशनल की तरफ बढ़ते हैं।
इसके अंदर हम नेशनल जो स्टेट है हमारी और जो सेंटर है उससे रिलेटेड जो भी हमारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, करंटली हाउ मैनी वर्किंग आवर्स आर देयर फॉर लेबर्स और इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज के लिए कितने वर्किंग आवर्स हैं अभी करंटली, ये कितने हैं, 8 वर्किंग आवर्स हैं। तो ये हमने क्यों ये क्वेश्चन रखा, क्योंकि अभी एक सेंटर ने ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके अंतर्गत अब स्टेट ये डिसाइड कर पाएंगी कि कितना वर्किंग आवर्स वो इम्प्लॉयज के लिए रखें रखना चाहती हैं। कोविड-19 के चलते बहुत सारा समय लॉकडाउन के अंदर निकल गया है, तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मानना है हमारे विशेषज्ञों का। तो उसके लिए ये पावर पहले सिर्फ सेंटर के पास थी, तो अब सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस पास करते हुए अब ये पावर स्टेट को दे दी है, तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टेट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये वर्किंग आवर्स सेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हु लॉन्च ऑपरेशन शील्ड, तो ऑपरेशन शील्ड किसने लॉन्च किया, ये वही गवर्नमेंट है जिसने 5G इनिशिएटिव लॉन्च किया, ये वही गवर्नमेंट है जिसने एल्डरली के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं जिसमें तीर्थ यात्रा भी है। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे ये कौन सी गवर्नमेंट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट है, श्री अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है ऑपरेशन शील्ड के अंदर, जिसने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। तो ये ऑपरेशन शील्ड क्या है, ऑपरेशन शील्ड है सीलिंग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग असेंशियल सप्लाई लोकल सैनिटेशन डोर टू डोर चेक्स। तो सीलिंग के अंदर ऐसे एरियाज जो कोविड-19 से प्रभावित है उनको सील किया जाएगा, होम क्वारंटाइन के अंदर उन होम क्वारंटाइन बनाया जाएगा, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग के अंदर आइसोलेट किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स को और उनको ट्रेस करके उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। असेंशियल सप्लाई जो फूड को वो फूड है जो इसका असेंशियल फूड है जो जहाँ और भी जो असेंशियल नीड्स हैं हमारी उनको प्रोवाइड किया जाएगा उन एरियाज के अंदर जो उसको सील्ड एरियाज हैं। और लोकल सैनिटेशन तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्प से एरियाज को सैनिटाइज किया जाएगा और डोर टू डोर चेक, तो कोविड-19 के लिए डोर टू डोर जाके चेक किया जाएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है ऑपरेशन शील्ड, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्ट टू एडिबल ऑयल हैज डिक्लाइंड बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट का एडिबल ऑयल में के इम्पोर्ट में डिक्लाइन आया है। आप सबको पता है कि भारत है जो एडिबल ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वर्ल्ड में, तो कोविड-19 के चलते भारत ने इसके इम्पोर्ट में कमी की है, वो कमी कितने प्रतिशत है आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कितने प्रतिशत की कमी की है, 32.44% की कमी की है। तो ये एडिबल ऑयल क्या होता है, जो खाने वाला तेल है, तो इसमें तीन मेन मुख्य तेल होते हैं, एक है पाम ऑयल, एक है सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल। पाम ऑयल है जो हम इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन ऑयल हम अर्जेंटीना से इंपोर्ट करते हैं और सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच सेक्टर इज रिसेंटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉकडाउन बाय होम मिनिस्ट्री, हमारे होम मिनिस्टर कौन है, श्री अमित शाह जी, उनका कहाँ से सांसद है वो, गांधीनगर गुजरात से। तो होम मिनिस्ट्री ने अभी लॉकडाउन के चलते कुछ सेक्टर्स को एग्जम्पशन दी है, उनको राहत दी है कि आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो इसके अंदर पहले तो इन्होंने इससे पहले इन्होंने एग्जम्पशन दी थी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, अब कौन से सेक्टर को एग्जम्पशन दी है, फिशिंग एंड एक्वा कल्चर। तो याद रखिएगा दो सेक्टर को एग्जम्पशन दे चुके हैं ये, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को और फिशिंग एंड एक्वा कल्चर को। आगे बढ़ते हैं, NHAI कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया गया है नेशनल हाईवे के द्वारा। तो ये कितने किलोमीटर का है, 3,979 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया गया है। तो ये अपने आप में इनका रिकॉर्ड है, इससे पहले इतना नेशनल हाईवे NHAI ने कभी नहीं बनाया था, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं बनाया था। NHAI को एस्टेब्लिश कब किया गया, 1995 के अंदर, और ये कौन से मिनिस्टर के अंदर आती है, नितिन गडकरी जी के अंदर आती है। ये कहाँ से सांसद है, नागपुर महाराष्ट्र से सांसद है। और NHAI के जो मुखी है, जो चेयरमैन है, वो कौन है, श्री सुखबीर सिंह संधू जी है, इसका ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा NHAI के अंडर जो स्कीम्स हैं, जो योजना चल रही है उसका भी ध्यान रखिएगा, वह है भारतमाला परियोजना, इसको 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था,
और इसके अंदर क्या था कि 65,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाना है, जिसको दो फेज में तोड़ा गया था, जिसमें फेज वन को 2020 तक कंप्लीट करना था, और इसमें टारगेट रखा गया है कि 27,500 किलोमीटर को कवर किया जाए। तो इसको कंप्लीट कर लिया गया है सक्सेसफुली, और इसके लिए 5,35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। अब इसका फेज टू जल्दी शुरू शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इन कोलेबोरेशन विद यूनिसेफ फॉर ट्राइबल गैदर्स। ट्राइबल गैदर्स जो है, जो यूनिसेफ ने के साथ मिलकर लॉन्च किया है उनके लिए एक इनिशिएटिव। तो ये यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसने यूनिसेफ के साथ मिलकर ट्राइबल गैदर्स के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और ये इनिशिएटिव कौन सा है, डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, COVID-19 के चलते जो SHG है, ट्राइबल गैदर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो, तो उनके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं लोग, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताने के लिए, और क्यों COVID-19 के चलते क्या प्रिकॉशंस उनको अपनानी है, उस सब को उनके तरफ ध्यान उनका ले जाने के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी नाम के एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये किसने किया है, ट्राइफेड ने शुरू किया है। और ये ट्राइफेड क्या है, अब ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके अंतर्गत कुछ वंदन स्कीम्स हैं जो वो शुरू की गई हैं। लाइक एक है वंदन स्कीम ट्राइफेड के अंदर, जो ये वंदन स्कीम है ट्राइफेड की, इसके अंदर क्या है, मास्क बनाए जा रहे हैं अब कोरोना वायरस से जो प्रॉब्लम चल रही है मास्क की, तो मास्क जरूरी है हम सबके लिए, तो उसको बनाना, उसकी जो उसको तैयार करना भी जरूरी है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मास्क और वेंटिलेटर्स की कंस्ट्रक्शन में आ रही हैं, तो उसी के अंतर्गत वंदन स्कीम के अंदर भी अब मास्क बनाए जा रहे हैं। ऐसे एक टाटा का इनिशिएटिव है धागा इनिशिएटिव, तो धागा इनिशिएटिव के अंदर भी मास्क जो है डेवलप किए जा रहे हैं। सिमिलरली एक KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंदर भी खादी मास्क बनाए जा रहे हैं। तो आप इन तीनों इनिशिएटिव को ध्यान में रखिएगा, वंदन स्कीम, धागा इनिशिएटिव और खादी मास्क, ये किस किसकी हैं ये भी ध्यान रखिएगा, और इसके अंदर क्या बनाया जा रहा है, मास्क बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड आई गॉट पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर कौन कौन से हैं, जैसे नर्सेज होगी, डॉक्टर्स होंगे जो COVID-19 पेशेंट के साथ डेली डील कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए आई गॉट पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसमें अलग तरह से प्रिकॉशंस रखने हैं, उनको अलग तरह से ट्रीटमेंट देना है, तो क्या क्या करना है उसके अंतर, तो उसके लिए उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन की जा रही है आई गोट पोर्टल के थ्रू। अब ये आई गोट पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है MHRD। MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है हमारे, ये है रमेश पोखरियाल निशांक जी, और ये कहाँ से सांसद है, हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके जो ये आई गोट पोर्टल है ना, इसको दीक्षा प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है। ये दीक्षा प्रोग्राम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पहले से ही चल रहा है, और इसके अंदर क्या किया जा रहा था, जो टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी, और डिजिटलाइज किया जा रहा था। तो इसका दीक्षा प्रोग्राम है क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा MHRD के द्वारा ही एक और पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है, जो है क्या है, युक्ति। जो ये युक्ति पोर्टल है ना, इसको ये है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग COVID-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अंदर क्या है कि यूथ है जो हमारा भारत का, उससे नई इनोवेशन और नए तरीकों उनको बोला है कि नए तरीके बताइए हमें, आपके माइंड में अगर कोई इनिशिएटिव है या कोई इनोवेटिव आइडिया है या कोई टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए COVID-19 को रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, तो यहाँ पे आके आप शेयर कीजिए हमारे साथ। तो ये दो पोर्टल है, ध्यान रखिएगा, आई गोट है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, और युक्ति है शेयरिंग नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी असेंशियल किट्स क्रिएटेड बाय केंद्रीय भंडार वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू BPL फैमिली। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन्स, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज है उनके असेंशियल किट्स बांटी गई हैं केंद्रीय भंडार के द्वारा। अब ये असेंशियल किट्स क्या है और कितनी बांटी गई है, असेंशियल किट्स कितनी बांटी गई है, 2,200, मतलब 2,200 किट्स बांटी गई हैं। और ये असेंशियल किट्स में क्या क्या है, जो हमारी डेली नीड का सामान है वो है इसमें, लाइक 3 KG राइस है, 3 किलो वीट है, 2 किलो दाल है, 1 लीटर कुकिंग ऑयल है, पोहा है, सॉल्ट है, बाथिंग सोप है, बिस्किट्स हैं, और डिटर्जेंट है।
ये सबको मिला के एक एसेंशियल किट तैयार की गई है जिसको बीपीएल फैमिलीज को प्रोवाइड किया गया है। अभी केंद्रीय भंडार को एस्टेब्लिश कब किया गया, 1963 के अंदर, और ये किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पर्सनल ग्रीवियंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री के अंदर। और इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है, खुद प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं इसके मिनिस्टर, और इसके स्टेट मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। NIF डेवलप्ड विच हर्बल मेडिसन टू ट्रीट वॉर्म्स इन लाइव स्टॉक। तो जो भेड़ बकरी और जानवर जो पालतू हैं उनके अंदर जो वॉर्म्स की ट्रीटमेंट के लिए NIF के द्वारा एक हर्बल मेडिसिन तैयार की गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वॉर्मीवेट। वॉर्मीवेट है जो वो NIF ने तैयार की है, और NIF है क्या, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री ने, पीछे भी दो पोर्टल के बारे में हमने बात की थी HRD मिनिस्ट्री के, एक तो आईकॉट था, एक युक्ति था। अब एक कैंपेन है HRD की, वो क्या है, भारत पढ़े ऑनलाइन। तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, उससे उनको निकालने के लिए, उनकी स्टडीज पे इसका कोई इफेक्ट ना आए, तो इसके लिए भारत पढ़े ऑनलाइन इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और बहुत सारे ई रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसी से मिलते जुलते एक UGC के दो कमेटीज हैं, एक तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कमेटी जिसको, जो ई रिसोर्सेज और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी, और एक 7 मेंबर कमेटी और बनाई गई है जो सेमेस्टर एग्जाम डिले हो रहे हैं, जो जब उनमें दिक्कतें आने वाली हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, और या फिर हम कहें लॉकडाउन के चलते, तो उससे निपटने के लिए 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है UGC की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। UGC है क्या वैसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना के लिए कितने रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया है, तो ये है 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ का ये अमाउंट एलोकेट किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, तकरीबन 8 लाख बेनिफिशरीज हैं जिनको 3 महीने के लिए फ्री में LPG सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कितना अमाउंट एलोकेट किया है, 5,000 करोड़ रुपए। और इसके अलावा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के अंतर्गत 3 रिजर्व्स हैं ऑयल के जो हमारे देश के अंदर हैं, एक है मैंगलोर कर्नाटका के अंदर, एक पैडूर कर्नाटका के अंदर, एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये तीनों जो रिजर्व्स हैं इसको मैक्सिमम करने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है और ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, और उसके रिजल्ट के कारण ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हुए हैं। और ये जो ये ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है, जो वो अपने ऑयल रिजर्व है उसको मैक्सिमम करेगा, सो दैट आगे चलते हुए वो उसको यूज कर पाए। तो जो ये तीनों रिजर्व है इनको मैक्सिमम करने की बात की जा रही है, तो इसीलिए तीनों रिजर्व है जो न्यूज में बने हुए हैं। और इन तीनों रिजर्व की टोटल कैपेसिटी है जो वो कितनी है, 36.92 मिलियन बैरल्स है, और इसको फिल करने के लिए सऊदी अरेबिया से पहली कंसाइनमेंट आ भी चुकी है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए पैडूर कर्नाटका की जो कैपेसिटी है उसको नरेंद्र मोदी जी ने डबल करने की बात की है, और इसके अलावा 2 और रिजर्व्स को बनाने की बात की गई है जिसके लिए मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा नेशनल का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डे, तो इसके अंदर हम देखेंगे 8 से लेके 14 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें पहला डेट है ऑन विच डेट CRPF शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड। CRPF क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस है, जो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 9 अप्रैल को। कौन सेलिब्रेट करता है, CRPF सेलिब्रेट करती है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं भाई, क्योंकि CRPF ने 9 अप्रैल 1965 को, 1965 को पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर लड़ते हुए रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान आर्मी को पछाड़ दिया था, और इसमें कुछ CRPF जवान भी शहीद हो गए थे। उनके शौर्य को याद रखने के लिए CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी इसके हाल ही में जनवरी में अपॉइंटमेंट हुई थी CRPF हेड की, वो कौन है, श्री AP महेश्वरी जी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड। तो स्पेस में पहली बार इंसान ने जब कदम रखा था उसको वो किस दिन रखा था, वो रखा था 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल 1957 को, 1957 को यूरी गागरिन जो रशियन एस्ट्रोनॉट है उन्होंने स्पेस में पहला कदम रखा था।
तो इसको कौन सेलिब्रेट करता है? UNOOS से, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। इसके अलावा इसी डे को रशिया के अंदर कॉस्मोनॉटिक्स डे और यूएस के अंदर वर्ल्ड स्पेस पार्टी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सबको पता होगा, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये उनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी थी, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये तो हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने राइट किया है, लेकिन इसके अलावा वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं। और अंबेडकर जी जो जब ट्राई कलर फ्लैग है उसके अंदर अशोक चक्र को लगाने का काम भी अंबेडकर जी ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे सियाचिन डे सेलिब्रेटेड? सियाचिन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत नाम चलाया चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ये था 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। इस दिन सियाचिन के ऊपर पूरी तरह से जो कब्जा कर लिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जो पूरा कंट्रोल ले लिया गया था, और इसीलिए को सेलिब्रेट करने के लिए 13 अप्रैल को सियाचिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ऑपरेशन मेघदूत चलाने के बाद इंडियन आर्मी वर्ल्ड में सबसे कोल्डेस्ट बाउंड्री को कंट्रोल करने वाली आर्मी भी बन गई थी। सियाचिन वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, तो इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री, तो कोल्डेस्ट बाउंड्री है, प्लेस तो नहीं कह सकते, कोल्डेस्ट बाउंड्री है सियाचिन। तो इसके अलावा आप याद रखिएगा 13 अप्रैल को ही विसाखी का पर्व भी मनाया जाता है पंजाब में। तो ये खालसा पंथ की साजना के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, जो हमने 3 सेक्शन कवर किए हैं, नेशनल, इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट डेज। आगे के 3 सेक्शन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में इसी वीक के, वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिए, सो दैट आपको ये अच्छे से याद हो जाए, और इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आप रिवाइज कीजिए, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे करंट अफेयर के। आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।